हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक शेयर को लेकर के आया हूँ चर्चा के लिए, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं और खुशहाल हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हुए हैं ताकि किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और एक आवश्यक सूचना, मेरा किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सलाह नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ही। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड 1995 में निगमित विकास लाइफ केयर लिमिटेड प्लास्टिक, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर इन्फ्रा कृषि उत्पादों FMCG उत्पादों आदि के लिए पॉलीमर, रबर यौगिकों और एडिटिव्स का व्यापार और निर्माण करता है। आज का इसका बाजार आकार यानी कि मार्केट कैप 823 करोड़, मौजूदा कीमत 5.75 रुपये, जो कि कल 5.25 रुपये था। 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपये और 2.66 रुपये। पुस्तक वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू 2.31 रुपया। अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू 1 रुपया। तो चलते हैं दोस्तों, एक वर्ष का अगर इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट जो हाई बनाया है 7.05 रुपये, वो 11 सितंबर 2023 को लेकिन इसमें चार्ट में 6.45 रुपया ही शो कर रहा है, ये स्क्रीनर पे दिखा रहा है। और इसमें प्रोज और कॉन्स यानी कि पेशेवरों और दोष अगर देख करके समझा जाए तो कुछ खास है नहीं, लेकिन पेशेवरों यानी कि प्रोज ठीक ठाक है अगर उसको देख करके पढ़ करके अगर समझा जाए तो। और सहकर्मी तुलना पियर्स कंपैरिजन, तो इस प्रकार 7 कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेज, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, MMTC, रेड टैप, PDS, रैन इंडस्ट्रीज, इसमें सभी का PE दिखाया हुआ है सिवाय विकास लाइफ केयर को छोड़कर। जून क्वार्टर इसका बेहतर गया है जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का हुआ और EPS 8 पैसे का। लास्ट 12 मंथ का जो रिजल्ट है वो माइनस में है, 6 करोड़ का माइनस नेट प्रॉफिट है यानी कि घाटा, EPS माइनस 5 पैसा यानी 5 पैसा। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो इसके पास में रिजर्व 187 करोड़ का है और ब्रोइंग मात्र 30 करोड़ का। टोटल एसेट 455 करोड़ का हो चुका है। और इसमें एक खास न्यूज़ है, उससे पहले प्रमोटर होल्डिंग ये पूरा नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, 11.40% है और बाकी ये बात समझिए एक तरह से तो 88.59% जो कि पब्लिक के पास में है। पब्लिक और प्रमोटर दो ही है मेन रूप से, और ये FIs के पास में 0.02% है, तो ये कोई मायने नहीं है। और इसका शेयर धारक यानी शेयर होल्डर 4,51,287 है,
यानी कि इतना आदमी इसके शेयर को रखे हुए हैं टोटली। तो इसका न्यूज इस प्रकार है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों कि उससे पहले एनुअल रिपोर्ट 2022-23 कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मेरा सलाह नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ही। यह 28वां एनुअल रिपोर्ट है। कंपनी का मैनेजमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन है, बोर्ड कंपटीट एंड कंपोजिशन, नोटिस। तो इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में चलाऊंगा और आपको पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा कितना किसके पास वारंट क्वांटिटी है वो दिखाया उसमें। मेरे हिसाब से तो इसको एक बार पढ़ना चाहिए। अगर विकास लाइफ केयर के बारे में अच्छी तरीके से अगर जानना हो तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पहले इस रिपोर्ट को पढ़े, समझे और अपने बुद्धि विवेकानुसार ही इन्वेस्टमेंट करे। इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी मेरा सलाह नहीं है। बहुत लंबा रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कंपनी का हर चीज़ को बाकायदा विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। वेबसाइट bseindia.com पे है। उस वेबसाइट पे इसको अपलोड किया जा चुका है।
मेन मेन जो देखने वाला होगा वहाँ पर मैं कुछ रोकूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम होंगे वो इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट हिंदी मीडियम में नहीं है। मैंने सोचा था कि हिंदी मीडियम में होगा रिपोर्ट, फोर्टी नाइन पेज हो चुका है, ये 50 नंबर टोटली। ऐसे तो पेज के हिसाब से देखा जाए तो ये 48 है। ये दोस्तों जैसा कि याद दिला दे रहा हूँ, 28वां एनुअल रिपोर्ट है। यानी कि कंपनी इससे पहले 27 एनुअल रिपोर्ट जारी कर चुका है। विकास लाइफ केयर कंपनी बहुत छोटा है अभी, फ्यूचर में हो सकता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी फैला हुआ है। ये कुछ कंपनी को एक्वायर भी किया है, एक तरह से समझे तो ये एक्वायर करने वाली कंपनी भी बन सकती है फ्यूचर में, ये 100% नहीं है। अभी तो ये हाल फिलहाल एक न्यूज़ आया था 97 करोड़ का फंड जुटाने का, तो इतनी छोटी कंपनी और 97 करोड़ का फंड जुटाए काफ़ी आसान बात नहीं है। लेकिन अभी तक ये अपने लगभग हर एक डिसीजन पे खरा उतरा है, तो आगे भी हो सकता है कि ये अपने डिसीजन पे खरा ही उतरे। फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों कि मेरा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस वीडियो बनाता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करें, क्योंकि आपका पैसा है तो आपको सोचना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी और के सलाह में करेंगे और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो फिर मेरे हिसाब से वो बात ठीक नहीं लगती कि मेरा पैसा मैं किसी और के दिमाग से इन्वेस्टमेंट करूं या कहीं पर लगाऊं। इसका मतलब है कि मुझे अपने पैसे की रख रखाव करने नहीं आता है, तो इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचे समझे और ख़ासकर इस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने का दिमाग में भी आए तो पहले इसकी जानकारी पूरी ले लें। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने का दिमाग में आए तो पहले उसका फुल डाटा को देखें,
यानी कि एक साल का रिपोर्ट देखें, उससे पिछले साल का भी रिपोर्ट देखें कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्वार्टरली रिजल्ट देखें जो मैं देखता हूँ, मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना बताता हूँ। और रिपोर्ट को तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रिपोर्ट पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पढ़ें। कहीं कहीं मैं भगा दिया हूँ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट 31st, तो इसको पक्का देखें सही से, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में दिखाए हुए हैं। कुछ मिस्टेक हो गया हो तो दोस्तों सॉरी, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है बोलने में। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही समाप्त हो, 112 पेज तक हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखने से ये तो पक्का समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करती है, कहाँ करती है, कितना लागत लगता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सभी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आखिरकार पैसा लगाते थे तो फ्यूचर के लिए ही, तो फ्यूचर को समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है, क्या कंपनी को प्रॉफिट होगी, जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा या नहीं, क्या वो बिजनेस हमेशा आगे भी चलता रहेगा, उससे प्रॉफिट गेन करता रहेगा कि नहीं, तो इस बात को बड़ी गहराई से समझना ज़रूरी है। इस कंपनी में टोटल 41 एम्प्लॉई हैं, और इसका बिजनेस FMCG में भी है। तो ये पक्का ध्यान में रखें, अभी तक टोटल पेज 136, ऐसे बाएं तरफ में देखेंगे तो वो सब पेज को काउंट किए हुए है, इसलिए 140 हो चुका है। दोनों समान आपको नहीं मिल पाएगा, दोनों पेज का काउंटिंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, और अभी और भी बाकी है, वन फोर थ्री पेज हो चुका है।
मेरे हिसाब से इस वीडियो को डाउनलोड करके देखिए। दोस्तों 150 पेज समाप्त हो चुका है, अभी भी कुछ बाकी है, ज़्यादा नहीं। बोलते हैं ना, दिल्ली दूर नहीं है, बस चलते जाओ। तो वैसे ही देखते जाइए और जहाँ लगे कि कुछ पढ़ने लायक है उसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए, समझिए, क्योंकि समझने का ही नाम नॉलेज है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर जा करके अब ये समाप्त हो चुका है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस इतना पंजाबी बार दिल्ली 26। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।